विलेज डिफेंस कमेटीज ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का माहौल कायम करने में एक बहुत अहम रोल अदा किया है, और बहुत सारे बीडीसी के लोग मिलिटेंसी के साथ लड़ते हुए मारे गए, बहुत सारों ने कुर्बानियां दी, और आज भी दूर दराज के इलाका जात में बीडीसी मेंबर्स की वजह से मिलिटेंसी के ऊपर नियंत्रण किया गया है। लेकिन पिछले चार पाँच वर्षों से वीडीसी मेंबर्स को कोई भी ऑनरेरियम नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तब से वीडीसी के लोगों का वेतन बंद कर दिया गया है, उनका ऑनरेरियम बंद कर दिया गया है, और वीडीसी के मेंबर्स जो हैं आज इस वेतन से जो है वो महरूम कर दिए गए। हालांकि उनसे तमाम सेवाएं ली जा रही हैं, उनको गन्स जो है अभी भी दी गई हैं, और गांव में वो अपनी जिम्मेदारियों को दूर दराज के इलाका जात में अपनी जिम्मेदारियों को आज भी अदा कर रहे हैं, और उनको बुलाया जाता है प्रशासन द्वारा शांति बहाली के लिए और जो है स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से उनको अपने हाल पर छोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उनको न केवल उनसे काम लिया बल्कि इलेक्शन के दौरान भी उनको इस्तेमाल किया, और उसके बाद उनको अपने हाल पर छोड़ दिया, जिसकी वजह से एक भारी रोष विलेज डिफेंस कमेटीज़ के अंदर देखने को मिल रहा है। जब इस संदर्भ में शोर हुआ तो अब 732 एसपीओस लगाए जा रहे हैं, और यहाँ जम्मू और उधमपुर ज़िले में, कठुआ ज़िले में बहुत कम है, 16-16 एसपीओस दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत कम है। पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे हर एक वीडीसी में 3-3 एसपीओ दिए जाएं, ताकि हर वीडीसी के मेंबर को वो जो ऑनरेरियम है वो डिवाइड हो सके, और उसके परिवार का भी गुजर बसर हो सके, क्योंकि ये पूरे तरीके से निर्भर हैं उस ऑनरेरियम के ऊपर। और दूसरी बात हम जो प्रशासन को कहना चाहते हैं कि ये जो 732 एसपीओस की भर्तियां होंगी, इसके लिए प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए। अभी जो सर्कुलर निकला है उसमें ये कहा गया है कि चंद एक ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया है कि ये लोग तमाम भर्तियां जो हैं करेंगे और 15 अगस्त से पहले पहले दे देंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि बैक डोर अपॉइंटमेंट्स एसपीओस की किसी भी सूरत पे एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, तमाम लोगों को बराबर का मौका दिया जाना चाहिए, और अपने चहेतों को चोर दरवाजे से लगाने की जो साजिश की जा रही है उसकी पैंथर्स पार्टी कड़ी मुजम्मत करती है। पहले भी बीजेपी पीडीपी सरकार के दौरान सैकड़ों की तादाद में एसपीओस को चोर दरवाजे से लगाया गया, बैकडोर से लगाया गया, और ऐसा कहा जाता है कि बाहरी रुकूमात उन लोगों से ली गई, पैसे लेकर वो भर्तियाँ की गई थी, जिसके लिए हमने अकाउंटेबिलिटी कमीशन में भी वो चुनौती उसको दी थी, लेकिन इस सरकार ने अकाउंटेबिलिटी कमीशन को भी अबॉलिश कर दिया।